आपका यह संपूर्ण कार्यक्रम पूरे विश्व के अंदर भारत चैनल के माध्यम से आर्मी की इस शिक्षा भव्य महोत्सव का प्रसारण होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, जैसे ही नूतन दीक्षांत मोदी के रूप में हमारे यहाँ पधारे गए, अभिवादन के साथ में आर्मी के इतिहास में जिस जोश के साथ आपने पंचानी का महोत्सव मनाया है, उसी जोश के साथ में नूतन मुनि को भी आप यहाँ से बधाएंगे, उनकी जय जयकार के साथ में उनका अभिनंदन करेंगे। जी हाँ, आएगा। इस अल्प आयु में मात्र 33 साल के ऐसे हमारे मनोज भाई इस संयम जीवन को अपना रहे हैं। आइएगा एक बार मुमुक्षु नूतन दीक्षित को हम यहाँ पर बधाएं, सभी दो देना और सबके एक साथ में पूरा ये बाढ़ में एक ताल में और एक संगीत बद जितने भी लोग हैं एक तारा से दिन ताता जरा दो हाथ उड़ाकर वाह टू थ्री क्या बात है, बारे बार समय है समय। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, अभी तक समय है, अभी तो उपकरण गए हैं, कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। जरा दोनों हाथ उठा कर यौवन वही अकाल महा साधु थनारा महा अकाल महा साधु थनारा महा यौवन में सुख छोड़नारा महा अकाल महा साधु थनारा महा साधु आइए 10 संयम के गीत एक के बाद एक, एक के बाद एक किस तरह से हमने यहाँ पर बिठाए हैं, आप अनुमोदन करते रहिएगा। सभी बस यहाँ पर बधा रहे हैं, पर एक मिनट किसी को भी खड़े नहीं होना है। नहीं नहीं ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके बीच में से आएंगे तो खड़े होने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं कोई भी खड़े नहीं होंगे, खड़े क्यों होना है, यहीं से तो आएंगे। वो संयम ले रहे हैं पर हम संयम नहीं रखेंगे। तो मनोज भाई की दीक्षा में हमने क्या सीखा, मनोज भाई संयम ले रहे हैं पर हम संयम नहीं रखेंगे। हाँ बस इतनी चंचलता, 2 मिनट हुए नहीं कि हम सब खड़े होकर यहां से आएंगे। अगर सब खड़े होंगे पीछे वालों को नहीं दिखेगा, सब बैठेंगे तो सबके दर्शन सबको दर्शन होंगे नूतन दीक्षित के। मनोज भैया मुमुक्षु नूतन दीक्षित को ही देखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके उनको बधाएंगे, पुण्यसारी हमारे बीच में से आएंगे और किसी को बीच में से नहीं आना है, कोई भी कार्यकर्ता को भी नहीं आना है। हाँ जी विद्रग तुझ पाई पड़ी हुकरु विनंती ए दिली साधुनो वेश प्यारे मणे मांगो प्रभु बस इतलो हे कुमकुम तणा ए छाटना केसर तणा ते साथिया हे रजो हरण करे मणे मांगो प्रभु बस एठलो। लीजिएगा नूतन दीक्षित हमारे सामने हैं, जरा सब मिलकर खड़े कोई नहीं होंगे और दोनों हाथ उड़ाकर किस तरह से सबे दो जल्दी हे धन धन ए मुनि बनाने जे जिन आना पाले राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शक्ति साधे राग द्वेष ने दूर करीने आत्म शक्ति साधे धन धन मुनि बड़ा धन धन मुनि बड़ा धन धन मुनि बड़ा धन धन मुनि बड़ा
जरा दोनों हाथ उठाओ। नमो लोए सबको सावणम की महा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, एक बार दोनों हाथ उठाकर वाजवा। नमो लोए सब सावणम, नमो लोए सब सावणम, नमो लोए सब सावणम, नमो लोए सब सावणम। इतनी ही शिक्षित नायों के भटक्यों भाव अनंता, भटक्यों भाव अनंता, भटक्यों भाव अनंता। कट्टर शत्रु मानी देह ने कष्ट पहुँचे देता, कट्टर शत्रु मानी देह ने कष्ट पहुँचे देता। धन धन मुनि वरा, 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 धन धन मुनि वरा। वापस हम खड़े हुए, वापस बैठ जाए इसलिए सब बिना दे सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। हाँ आइए, इस मुनि के वेश में हमारे बीच में नूतन दीक्षित बना चुके हैं, ऐसे नहीं चला, दोनों हाथ उड़ाकर हेलो। धन धन मुनि वाला, ओहो धन धन मुनि वाला, धन धन एक बार सीधे सीधे जय हो। धन मुनि वाला, धन धन मुनि वाला, धन धन मुनि वाला, धन धन मुनि वाला, धन धन मुनि वाला ने जीवन खाना पाले, राम के द्वेष भी दूर करी आत्म शुद्धि साधे, राम के द्वेष ने दूर करे आत्म शुद्धि साधे। धन धन मुनि वाला, विनती है सभी नीचे पदा। क्या क्षमा सुनो, इतिकारी भगवान तुम्हें हम अटम गिन्न नीचे बैसो, उपगणिया बैसो नीचे। जीवन की श्रेष्ठ क्रिया यानी केस के लुंचन की क्रिया शुरू हो रही है, पुण्यशाली बेस परिवर्तन कर दिया है और अब केस के लुंचन करने के पश्चात एक उदय अल्प संसार भी यदि मेरे में बचा हुआ है वो भी केस के लुंचन के द्वारा निकाल दीजिए, ताकि जीवन की श्रेष्ठ क्रिया यानी केस के लुंचन हो रहे सभी पुण्यशाली दोनों हाथ जोड़कर इस केस के लुंचन के भाव के अंदर सोचाएंगे। देखिए पूरा लोग यहाँ पर हो जाता है, लेकिन ब्रह्म रंध्र जो कहता है वहां पर परिवार के साथ काकेश्वरी बाजारो बालों को रखा जाता है, ब्रह्म यानी परमात्मा और रंध्र यानी दरवाजा, तो जहां से परमात्मा का ये प्रवेश हो इसे कहते हैं ब्रह्म रंध्र, और यहां पर लुंचन होना है इसलिए कहा बाजारो जल्दी बाजारो परिवार के पुण्यशाली आ जाए। हे देखो देखो किसे नो लुंचन थाए, रे देखो देखो किसे नो लुंचन थाए, 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 देखो देखो किसे नो लुंचन थाए,
लुंचन हुआ है मेरा दोनों हाथ आपके सिर लुंचन थे आपके सिर लुंचन थे आपके सिर लुंचन थे आपके सिर लुंचन थे दशायो छे काया दशायो छे काया સર્વવીરથી સામાયિક ઉત્તરાવીય ભગવાનની સામે જરા માથું નમાવીને અને હું કરે પુણ્યશાલી જે નહીં હા હે ગુરુદેવ યહાં પે બજાયેંગે ના ઢોલ સંગીત સંગીત હા બજા લેંગે બાબુજી એ નકા ઈ થારી પૈયા નહીં સુનિયે એક પુણ્યશાલી ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ મહાભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરે મી બનતે સૂત્ર यहाँ नूतन दीक्षित को उचरा रहे हैं यावत जीव का सामायिक यहाँ पर उचरा रहे हैं हल्की हल्की नमो हरियाणु नमो दानु नमो हरियाणु नमो वज्रायणु नमो लोहितानु इस बंदे नमो कारो सब आवनासु उमनांते सनी से बड़े मंगोई मंगलम करे मी बंदे सामायम सबम सावर तुमजो का पुत्र कामी जाव जीवाय तीवे तीवेणु मनन वाय कारण न करे इनकार नहीं કરમ દંભી અનમન સમણ જાણામિ તસ વંદે પરિક્રમામિ નિંદામિ કર્યામિ અપાણ હોશિરામિ નમો રિંદાણ દૂસરી વાત જાણો નમો હરિયાણો નમો જાયણો નમો લોચો જાણો તસ વંદે નમકાર સૌભા ઉપણાસુ નામ છે શ્રી સમટમ દેવંગલમ કરમ મંદે સમાયમ સબું સાવર્જમ જોગ વિચકામિ જા જીવાય તિવ્ય તિવ્ય મણેનો વાય કાયણ ન કરે કરારણિ કરમ દંભી અનમન સમણ જાણામિ તસ વંદે પરિક્રમામિ નિંદામિ ગરિયામિ અપાણ હોશિરામિ નમો હરિયંદાણ નમો સિદ્ધાણ નમો હરિયાણ નમો વજાયણ નમો લોચાણ સમંજ નમકારો સૌભા ઉડાણ સવિ સમલમ કરમિ મંતે સમાયમ સબમ સાબંધકામિ જાવ જીવાય તિય તિયણ મણન વાય કાયણ ન કરે ન કારણિ કરમ દંભી અનમન સમન જાણામિ તસ વંદે પરિક્રમામિ નિંદામિ ગરિયામિ અપાણ હોશિરામિ બોલો જીવ શાસન मन वचन और काया से कोई भी पाप मैं करूंगा नहीं किसी के पास करवाऊंगा नहीं और जो भी पापकारी प्रवृत्ति होगी उसकी अनुमोदना पे भी नहीं करूंगा। हमने सामायिक लिया तो 48 मिनट का सामायिक लिया लेकिन हमारे नूतन दीक्षित ने जो सामायिक लिया यावत जीव का सामायिक लिया जब तक श्वास है तब तक मेरा सामायिक है और ऐसी महाभीष्म प्रतिज्ञा पूज्य कच्छाधिपति गुरुदेव ने हमारे मुमुक्षु नूतन दीक्षित को याद दिलाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नमो लोय सब शावण पद को वंदन करते हुए बस प्रभु को प्रार्थना करेंगे। भगवान एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसा आए सर्व सावत्य और पापकारी प्रवृत्ति से हम निवृत्त हो जाए और पुण्य की प्रवृत्ति में हम प्रवृत्त हो जाए यही मनोरथ के साथ आइए। अभी नौकार वाली हाँ जी नौकार वाली कौन भाग्यशाली परिवार अर्पण करे यहाँ पर गच्छाधिपति और ये नूतन दीक्षित के जीवन की ये पहली नौकार वाली जब भी होंगे तो वो ध्यान साधना में होंगे नौकार वाली तो जितने कदाच अब वह नौकार वाली गणों के नहीं गणों एक गणों के दो गणों के कदाच नहीं गणों लेकिन आपके द्वारा अर्पण की गई ये नौकार वाली सतत ये जाप उनके चालू रहेंगे और ये लाभ आपको और हमको मिलेगा भाग्यशालियों। इसकी शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ नौकार वाली 1,08,999 एक आठ पैसा बहुत गिना है नौकार वाली 125 एक पच्चीस यहाँ मंडप में अभी नूतन दीक्षित के सामने यहाँ 151 अभी तक जो भी उपकरण अर्पण किए नूतन दीक्षित यहाँ मौजूद नहीं थे अब तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। आया 175 175 विनीत भैया
जैसे ही यह दीक्षा क्रिया खत्म होगी अपने उपाश्रय में जाएंगे तो सबसे पहले जिस उपकरण का उपयोग करेंगे, पात्रा बोरा है तो अब तो उनको उपवास रहेगा, लेकिन सबसे पहले ईशान कुणे में जाकर श्रीमंदर स्वामी भगवान के सामने अपना मुख रखकर जिस उपकरण का उपयोग करेंगे सुबह से लेकर शाम तक तो वो स्वाध्याय करेंगे, लेकिन जब प्रकाश भी नहीं होगा तब नौकार वाली से अपने जीवन की साधना यात्रा के अंदर जुड़ेंगे। ऐसे नौकार वाली सबसे श्रेष्ठ उपकरण यदि साधु जीवन का है तो नौकार वाली और वो उनको अर्पण करने का लाभ। बोलिए पुण्यशाली संयम में अजगयो है माया जाल में कोई हो पर अटे तो माया जाल की छुटकुरा पाई है ने संयम जीवन में आज मन लोड़ो लगायो है तो आज नौकार वाली अर्पण करवाओ चढ़ावो 2,07,999 2,11,111 मंच की ओर से है 2,11,111 नवकार जपने से सारी सुख मिलते हैं नवकार जपने से सारी सुख मिलते हैं नवकार जपने से हाँ जी नौकार वाली 2,25 मंच पर है और मंच से ही ये अर्पण करना है 2,25 हिन्नौगे उसके रहे पक्ष में नौगे उसके रहे पक्ष में जो जप ले नौबान रमकार नमोता महामंत्र नमोता रमकार नमोता महामंत्र नमोता नवगे उसके नहीं पक्ष में नवगे उसके नहीं पक्ष में जो जप ले नौबान रमकार नमोता एक एक पद आगे बढ़ना है इसलिए कहा जब आप और हम नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जो आज मनोज भाई आगे बढ़े हैं यानी गुरु भगवान मुनि संत के कैटेगरी में जब आज नूतन दीक्षित ये ध्यान करेंगे तो वो और आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अरिहंत बन जाएंगे जो अरिहंत बनता है व्यक्ति तो मोक्ष के द्वार तो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं इसलिए कहा श्रावक उसको जप के मुनि संत हो गए श्रावक उसको जप के मुनि संत हो गए संतों ने जप तो अरिहंत हो गए संतों ने जप तो अरिहंत हो गए अरिहंतों के लिए खुल गया अरिहंतों के लिए खुल गया महापुरुष का द्वार नवकार नवकार महामंत्र नवकार 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 महामंत्र नवकार 2,25,231, 2,51, 2,51 नवकार वाणी है 2,51, 2,51, 2,51 दुनिया का श्रेष्ठ मंत्र दुनिया की श्रेष्ठ साधना यानी श्रमण साधना के जरिए जो अपने जीवन को कर्म खपाने के लिए नमस्कार महामंत्र के ध्यान के अंदर अपना संपूर्ण जीवन जो व्यतीत करेंगे ऐसी नौकार वाली मुमुक्षुओं को अर्पण करने के नूतन दीक्षित को अर्पण करने का लाभ पुण्यशाली आइए उसके अंदर सबको जुड़ना है पुण्यशाली। हाँ एक एक इतिहास में चमत्कार कैसे हुए हैं इस नमस्कार महामंत्र हाँ निरंतर ये नमस्कार महामंत्र का ध्यान नूतन दीक्षित करते रहेंगे। हाँ चढ़ावा बोलने वाले सावधान 2,51 इसने कहा हे आया हे आया 2,61 नीचे से तो दो बोली 2,61 2,65 झगड़ा मिटाओ 2,71
71 71 नौकार वाली। हाँ जी बिने तभी गीत चलाते अभी चिंता नहीं है जी। जपुरे भाई महामंत्र नवकार मंत्र बड़ो ही सुखदाई जपने से बेड़ा हो जाएगा पार मंत्र बड़ो है उपकारी बे कदरा लुनकरन जी बे 71 दो 71 बे 71 और चमत्कार कैसे कैसे इस नवकार वाली नमस्कार महामंत्र से तो कहा सीट सुदर्शन राजा श्रीपाल इस मंत्र बल से वो हुए निहाल इस मंत्र बल से वो हुए निहार सूली तो स्वर्ण सिंहासन बनी कुष्ठ भयंकर मिला तत्काल ऐसे ही कितने हुए चमत्कार मंत्र बड़ो है नवकार वाली दो 71 दो 71 यहाँ नीचे से हैं मंच वाले सावधान दो 71 एक वांग दो 71 बे वांग दो 71 ढाई वांग दो 71 पूरा तीन वांग दो 71 और 271,000 काका जाए छे हाँ बे 71 दो 71 बे 71 बे 71 ने आप तो स्टेज में आते हो जो जितना पैसों से करीब होता है भीतर से उतना ही गरीब होता है अरे खुश नसीब तो वो होता है जो गुरु चरणों के करीब होता है दो 71 271 दो 71 एक बार दो बार अगली बार बड़ा तीन बार दो 71 दो 71 हाँ जी गुरुदेव दो 71 कितना करो आगे दो 71 दो 71 दो 99 दो 99 ओहो दो 99 यानी तीन में भी एक रुपया कम दो 99,999 की जोरदार अभिनंदन तीन तीन सदियों में है ये पहली बार धन्य धरा पाड़े मेरे के संयम के शुभ बिलाए हैं धन्य धरा पाड़े मेरे के संयम के शुभ बिलाए हैं मनोज भाई की ये दीक्षा आई है मनोज भाई की ये दीक्षा आई है धन्य धरा पाड़े मेरे के संयम के शुभ है आया 311,111 325 नवकार वाली 325 हे महामंत्र छे मोटो जगमा एक जिसी नवकार रे फुन लगाओ सात मणि सौ तारण हार रे फुन लगाओ सात मणि सौ तीन सोना न साथ देगी चांदी न साथ देगा चांदी न साथ देगी सोना न साथ देगा भक्ति बिना ये जीवन भक्ति बिना ये जीवन भव से न तिल देगा गाड़ी बंगला गाड़ी न साथ देगी बंगला न साथ देगा सासू न साथ देगी ससुराल न साथ देगा बेटी न साथ देगी बेटा न साथ दे अगर मारनी खानी में तो होमो नोमो बराबर करना है सूरत श्री संघ की अंदर गुरुदेव के वर्षितप निमित्त 50 से भी ज्यादा वर्षितप वहां चल रहे थे राम जी की घोल के
वर्तमान अध्यक्ष श्री भीमराज जी की भी शपथ विधि यानी कि घोषणा वे सूरत संघ के अंदर उस टाइम पे वही थे। उस टाइम से पहले सूरत श्री संघ के अंदर सुसाध्वी श्री आर्य रक्षिता श्री जी नूतन दीक्षित की प्रेरणा मूर्ति धर्म की प्रेरणा मूर्ति जिन्होंने मनोज कुमार नूतन दीक्षित के हृदय के अंदर बीज बोए ऐसे सुसाध्वी श्री आर्य रक्षिता श्री जी विदुषी डॉक्टर सुसाध्वी श्री गो विज्ञानी ऐसे देव रक्षिता श्री जी ने जो वात्सल्य प्रेम और साथ में ज्ञान और धर्म का बीज जो बोया उस टाइम के अंदर सूरत अचलगत श्री संघ के प्रमुख श्री अध्यक्ष श्री रतन लाल जी नेमी चंद जी वडेरा थे इनके हृदय में बहुत भावना थी एक लाभ तो मुझे मिलना ही चाहिए और आज रतन जी ने ये लाभ लेकर के नूतन दीक्षित के साथ आज ऐसा एक नाता जोड़ा है कि जहां तक राजस्थान के अंदर आज अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवान सिंह खुद बाड़मेर अचल गच्छ संघ की विनंती का स्वीकार करके मनोज कुमार की दीक्षा के लिए गुरुदेव जब यहां पधारे एक बात तो स्पष्ट है कि राजस्थान की धरा का ये सपूत आज ने दीक्षा लिए तो राजस्थान के अंदर गच्छ का उदय ज्यादा से ज्यादा आरोग्य हर बार हर साल तक बढ़ता रहेगा। अभी हाँ गुरुदेव कल्पित राम जी के घोल क्या रतन जी बोल रहे हैं कि राम जी के घोल के प्रतिष्ठा से हर पूनम की यात्रा मैं करता रहूंगा ने राम जी के घोल से हर हमेशा हम जुड़े रहेंगे। चलो धन्यवाद। चलो पता रहो आइए यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं अंतरप्ति और यहाँ पर आज अचल गच्छ की जो शोभा बढ़ाई है हमारे मनोज भाई ने यहाँ अर्पण अभी तक उस स्थिति में है कि अभी तक नया नाम नहीं मिला है तो पुनः मनोज भाई के नाम से ही हम संबोधित करेंगे। आइएगा नूतन दीक्षित उधर जाओ चलाओ चलाओ अचल गच्छ की शान मनोज भाई बाड़मेर नगरी की शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई बड़े महान हाँ अगले इस चढ़ाव में नामकरण आज तक नामकरण 32 साल तक जिनको हम मनोज भाई करके पुकारते थे जैसे ही वेश ग्रहण करके आए वेश चेंज कर दिया केस का लुचन कर दिया यावत जीव का सामायिक व्रत ले लिया अब गुरुदेव नाम भी बदल देंगे क्योंकि आज सबसे ज्यादा राग हमको किसी में है वो किस में है हमारे नाम में है। कहते हैं कि लोग पांच के पीछे भागते रहते हैं कंचन कामिनी काया कुटुंब और कीर्ति हर के पीछे भागते लाभ बड़ा लिया लेकिन नाम छोटा आ गया तो भी हाँ आज नाम का राग भी मुक्त हो जाएगा राम के राग से भी मुक्त होने के लिए नया नाम पूज्य गच्छाधिपति गुणियल नाम ऐसा देंगे और जो गुरुदेव देंगे धर्म के बुआ साहब बनके श्री संघ के सामने उद्घोषणा करने का लाभ उस पुण्यवंत परिवार को मिलेगा। आज 10 साल 20 50 साल आप देखो जब गुरुदेव गच्छाधिपति गुरुदेव की जब दीक्षा हुई होगी तब भी दीक्षा का महोत्सव हुआ होगा और तब किसी ने नाम रखा होगा तो आज वो व्यक्ति या उनकी पीढ़ी के कोई व्यक्ति है तो कितना गर्व लेता होगा कि जिसका नाम हमने पढ़ा था वो आज गच्छाधिपति है बावन वर्षित करने वाले गुरुदेव है इतनी टॉर्च पे पहुंचने वाले व्यक्ति का नामकरण किसने किया था मैंने किया था संघ के सामने उद्घोषणा मैंने की थी। कल जाकर हमारे ये नूतन दीक्षित अवनवी साधना करके जिन शासन की जब प्रभावना करेंगे तब हमारी छाती फूल जाएगी कि ये नाम लखने का लाभ भी नाम को अनाउंस करने का लाभ भी मुझे मिला था। आइए धर्म का भुआ शाह और भाई साहब बनने का लाभ यहाँ पे शुरू हो रहा है। नामकरण की विधि
गुरुदेव जब नाम देंगे संघ के सामने उद्घोषणा करना है उसके चढ़ावे की शुरुआत भी नहीं कर अगर अपना घर में बच्चा नो जन्म वे सबसे पहला नॉम कौन रखे वट वाली बुआ क्योंकि बुआ जैसी कोई नहीं बुआ जैसी कोई नहीं ने वट वाली बुआ हमें यू तो मनोज भाई रो नॉम भी कदाच बुआ राखियो वही ला लेकिन आज अन सांसारिक जीवन रो नहीं पर अन संयम जीवन रो आ धर्म रा भुआसा बने ने कुण और नवो नामकरण री घोषणा करें वन्नो चढ़ावो है नूतन दीक्षित के नामकरण की घोषणा कौन करें श्री संघ को अभी तक मैंने कहा कि ऐसी बीच की स्थिति में है न हम उनको मनोज भाई बोल सकते हैं न कोई और नाम से हम बुला सकते हैं इसलिए नूतन दीक्षित तरीके हम उनको उद्बोधन कर रहे हैं तो ऐसे नूतन दीक्षित का नया नामकरण कौन करें उसका चढ़ावा उस परिवार को मंच पर आना है और यहाँ पर जैसे ही गच्छाधिपति उनको आदेश देंगे सकल संघ के सामने हमारे नूतन दीक्षित के नए नाम की घोषणा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार यहां पर करनी है और उसके बाद जैसे ही नाम की घोषणा सुनने के बाद सबको जय जयकार करेंगे नूतन दीक्षित के इस नूतन नाम के साथ चलो तो वट वाली भुआ बनने का ये चढ़ावा इसकी शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं 108,999 नामकरण आया रे भुआ सा लाडू न कुंवरे रा आया रे भुआ सा साते साते हो साते साते हो साते साते सहेलियों अपार नूतन दीक्षित लाडता साते साते सहेलियां अपार नूतन दीक्षित लाडता ए बामी जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा पायो जी मैंने कृपा करना पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो दो गुरुदेव गुरुदेव सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित होने वाला यह मुमुक्षु मनोज भाई का जो भी नूतन नामकरण होगा उस नामकरण का भी एक आपके साथ में इतिहास का अध्याय जुड़ जाएगा आपका नाम भी इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर अंकित हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए युगों युग तक हो जाएगा आप रहे नहीं रहे जब भी बाड़मेर की धरा पर अचल गच्छ के किसी मुनि का नाम आएगा नूतन मुनि के साथ में जिस व्यक्ति का ये लाभ होगा नामकरण का लाभ लेगा उस परिवार का नाम सदैव सदैव के लिए अंकित हो जाएगा आज का यह महत्वपूर्ण चढ़ावा नामकरण की पर्ची नामकरण की चिट्ठी इस स्वर्णिम पेटी के अंदर पड़ी आप देख रहे हैं यह पेटी से आप लाभार्थी परिवार पूज्य गुरु भगवंत को समर्पित करेंगे समर्पित करने के बाद में शुभ मुहूर्त के अंदर परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव लाभार्थी परिवार को वह पर्ची अर्पित करेंगे और उस अर्पण करने के साथ में उस नूतन दीक्षित मुनिराज का आपके मुखारविंद से अरे एक मुनि ना दर्शन देवश्य बोलते हैं तो नूतन मुनि का नामकरण पहला नामकरण भी आपके मुखारविंद से गुरुदेव के बाद आप करेंगे आपके साथ में यह अध्याय जुड़ जाएगा यह महत्वपूर्ण चढ़ावा आप जितना आपके साथ में शक्ति है आप निश्चित तौर से भक्ति करिए क्योंकि यह इतिहास वापस न जाने कब मिले आज इस इतिहास की शुरुआत इस बाड़मेर की धर्म धरा से हो रही है यह धरा वो है बाड़मेर की धरा पे एक मिनट बाड़मेर की धरा पे आज अचलगढ़ श्री संघ की ओर से दीक्षा महोत्सव चल रहा है तब मनोज कुमार का मूर्त जहां गुरुदेव ने प्रदान किया वो गढ़ सीसा जैन माझन संगीतकार जी गुरुदेव जोरदार सलामी भाई अभी चला लास्ट चातुर्मास गुरुदेव का जहां था गढ़ सीसा वहां के पुण्यशाली पधारे हुए गुरुदेव के दर्शनार्थ थे हाँ जी
दर्शनार्थ इनकी नूतन दीक्षित की दीक्षा में बता रहे हैं। जय हो। हाँ, नूतन दीक्षित की दीक्षा में भी बता रहे हैं। हाँ, चलो चलो। नामकरण का चढ़ावा 281 281 3,06,999 की जोरदार ताली दे अनुमोदन कर जो सा ऐसे नहीं जरा संगीत में जय जयकार जय जयकार नूतन दीक्षित की जय जयकार जय जयकार जिसको लेना है वो तो लेगा। फॉर्मूला नंबर दो कभी दीक्षित का मुहूर्त जब गढ़शीशा में निकले है तब गढ़शीशा महाजन के सनिष्ठ ट्रस्टी वर्य श्री बिशन जी भाई एक बार दो शब्द बोल रहे हैं। चलो आइए बिशन जी भाई एक बार जोरदार ताली से अनुमोदन करेंगे ऐसे धर्म प्रेमी पुण्यशाली का। आइए। हाँ कविंद्र कला प्रभु साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित पूज्य भगवान को आचार्य भगवान से वीरभद्र के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी श्रवण और श्रवणी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाड़मेर की इस भूमि की जिस भूमि का इतिहास भी गौरवशाली अचल गज के लिए रहा है ऐसे भूमि के वंदनीय भगवान महावीर के वारसदार वितरा के वारसदार सभी जैनों को वंदन करते हुए आज जिसके कारण हम सब इकट्ठा हुए ऐसा मनोज कुमार की दीक्षा योग पर दीक्षा के कारण हम लोग सब इकट्ठे हुए वैसा मनोज कुमार जी को भी आज के इस पावन प्रसंग के ऊपर कोटि कोटि वंदन। इन वडिलों को जिनके कुक्षी रत्न जिन्होंने इस मनोज कुमार को जन्म दिया है ऐसा माता पिता को भी वंदन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सितारे हजारों चमकने से इस धरती के अंधेरा कभी कम नहीं होता। सूरज के आगमन के बिना सवेरा का होना संभव नहीं होता। धर्म की नीति की और विकास की बात करने वाले तो हमारे देश से बहुत आते और चले जाते लेकिन गच्छाधिपति गुरुदेव सागर सुरसू जी महाराज साहेब जैसे संतों के बिना गिर शासन का उदार इस तरह भूमि पर होना संभव ही नहीं होता। आज के इस पावन भूमि बाड़मेर की भूमि पर दीक्षा प्रसंग के उपस्थित सभी को सभी मान्यवरों को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मनोज कुमार की दीक्षा 300 साल के बाद इस अचलगज की राजस्थान भूमि के ऊपर जो हो न्यू सेलिब्रेट होने जा रही है हम सबके लिए बहुत बड़ा गौरव का ये दिन है कि अचलगज का सूर्य कितने दिन से यह चमकता रहा लेकिन इस नभोमंडल के क्षितिज के ऊपर कभी ऊंचे लहराने का मौका आएगा ऐसा दिन हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गच्छाधिपति को कि आप इसके गच्छाधिपति के इतिहास कार्यकाल में अचलगज के इतिहास में आज तक जितना दीक्षा महोत्सव हुआ होगा वो सबसे अधिक के अधिक दीक्षा महोत्सव करने वाले गच्छाधिपति गुरुदेव सागर सुरसू जी महाराज साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से। और मैं श्रवणी भगवान को भी वंदन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस भूमि में मनोज कुमार जैसे दीक्षा लाने के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो दीक्षा का जिन्होंने आयोजन किया है उस श्रवणी भगवंतों को भी इस भूमि पे आज मैं वंदन करना चाहूंगा और हमारे सभी साथ श्रवण भगवंत खासतौर पे हमारे प्रिय सागर जो कच्छ की भूमि के ऊपर कच्छ और राजस्थान में कोई डिफरेंस नहीं है एक ही है। हम लोग भी सब जो आज यहाँ आए मूल हमारा जन्म और हमारे वडिल भी इस भूमि के इस भूमि को भी सलाम और नमन करना चाहता हूँ कि हम लोग 300-400 वर्ष का हमारा इतिहास है। हम भी आपके भाई है और यहाँ से समय संजोग और परिस्थिति के कारण हम लोग जाकर के
कच्छ में बसा है, लेकिन हमारे जैविक में आपके और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। और धर्म से मैं तो ये भी कहना चाहूंगा इस मौके के ऊपर, जो राजस्थान में इस भारत देश को जो दिया है, राजस्थान में कच्छ में जो भी कच्छ को दिया है और आर्यवर्त की संस्कृति को जो दिया है, वो हिंदुस्तान में कोई किसी ने नहीं दिया है। आज जो राजकारण चल रहा है, आज जो समाजकारण चल रहा है, आज जो दानकारण चल रहा है, आज जो न्यायकारण चल रहा है, आज जो धर्मकारण चल रहा है, सभी का मूल तत्व अगर आप डीएनए में देखने को जाएंगे तो राजस्थान और ये बागमती जैसी भूमि के सिवा और कहां होना संभव नहीं होता है। आज मोदी जी जैसे आज इलेक्शन में पड़े ना और इंदिरा गांधी जैसे जो नेता हो गए, लेकिन इन सबका नींव कहां से पड़ा होगा, तो राजस्थान की ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सत्तों की भूमि है, ये जैन धर्म की भूमि है, ये आर्यवर्त की संस्कृति की भूमि है। और इस भूमि के ऊपर हमारे महाराजा गुरुदेव सागर श्री सूर्य महाराज साहब आज यहाँ पधार करके इस भूमि को पावन किया है, ये हमारा सौभाग्य है। और इसका औचित्य स्वागत कैसा होना चाहिए, ये बाड़मेर की जनता ने करके दिखाया। मैं बाड़मेर की जनता को, हिंद शासन को और जैनों को कोटी कोटी वंदन करते हुए कहना चाहूंगा, हर कर्म अपने करेंगे, हर कर्म अपने करेंगे, ये वतन तेरे लिए फिर दिया है, जा भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। हमने तो परसों ही बोला था, मगर कहा पता थी कि गठित सा माजल को वहां पता होगा कि यह 10 मनोज भाई पैदा होने वाले हैं अभी। हाँ चलो चढ़ावा नामोच्चार का। पुण्यशाली, आज 300 साल के बाद जो इतिहास बन रहा है, एक बात बताना, मैंने कल रात को भी बताई थी विदाई समारंभ के अंदर कि जैन शासन में संघ छरी पालित निकलते हैं तो राजस्थान के लोग अव्वल कोटि के रहते आगे देखते हैं, लेकिन जब दीक्षा की बात आती है तो थोड़े कदम पीछे हो जाते हैं। कितने लड़के लड़की गुरुदेव के पास रहना चाहते हैं, गुरुदेव के पास रहकर संयम धर्म का पालन करने की भावना रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजस्थान समाज में से दीक्षा लेना यानी बहुत परीक्षा में से निकलना पड़ता है। मैं फिर गर्व से कहना चाहूंगा, पुण्यशाली, विश्व में 680 धर्म है, लेकिन 680 धर्म के अंदर आज जैन शासन इसलिए अव्वल कोटि का है क्योंकि जैन शासन के पास जो संत परंपरा है दुनिया में कहीं नहीं देखने मिले, ऐसी संत परंपरा आज जैन धर्म के पास है पुण्यशाली। और इस संत परंपरा के अंदर आज तक सैकड़ों आत्माओं ने आकर जैन शासन की दीक्षा का स्वीकार किया है। कितनी लड़कियां गुरुदेव के पास रहती है, दो दो तीन तीन साल तक साध्वी जी भगवान के पास, कितने लड़के गुरुदेव के पास रहते हैं, लेकिन मां मुसीबत से भी परिवार के लोग, मैं विनती करूंगा आज दीक्षा देखने के बाद एक बात विनती करूंगा, माताओं को कहना चाहूंगा 300 साल के बाद जब ऐसी दीक्षा अचल गच्छ के अंदर होने जा रही है, आज दीक्षा देखने के बाद यहां से जब उठकर जाए इतनी प्रतिज्ञा लेकर जाना, हम दीक्षा नहीं ले सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर के अंदर से यदि कोई लड़का या लड़की दीक्षा की भावना रखे तो उसके अंदर अंतराय नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेके जाना है, यदि उसकी भावना है इस मार्ग पे जाने की तो उसके अंदर अंतराय नहीं करेंगे, पर हाथ ऊपर करके ऐसा भाव रख सकते हैं। चलने दो। इस काल के अंदर, इस भोगवाद के युग के अंदर, जब हमारे लड़के या लड़की इस मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा की दुनिया को छोड़कर जब साधना की दुनिया का चयन करेंगे तो उसके अंदर अंतराय नहीं करेंगे, बार हाथ ऊपर करके आज गुरुदेव को कहना है आप बाड़मेर में आए हैं,
गच्छाधिपति गुरुदेव को कहेंगे आप बाड़मेर में आए हैं, हम बड़े बाड़मेर वाले आज आपके सामने एक प्रतिज्ञा धारण करते हैं, यदि हमारे घर में से कोई छोटा बच्चा कह दे कि हमको गुरुदेव के साथ 5 दिन विहार में जाना है, कोई लड़की कह दे कि हमको साध्वी जी भगवान के पास 10 दिन रुकने जाना है, तो आप प्लीज माताओं में विनंती करूंगा, दुनिया में सच्चा सुख संत परंपरा के अलावा कहीं नहीं है। शादी के बाद कितने सुखी हुए हैं मैं आपको बताऊं, अभी न्यूज चैनल वाले इलेक्शन के वक्त ओपिनियन पोल करते हैं, क्या करते हैं कि इसको इतनी सीट आएगी, इसको इतनी सीट आएगी। मैं कहता हूं एक बार संसारियों का ओपिनियन पोल कर दे, 20 शादीशुदा लोगों को पूछो कि शादी करने के बाद खुश है कि नहीं, और 20 साधु साध्वी जी भगवान को पूछो दीक्षा लेने के बाद खुश है कि नहीं। मैं कहूंगा 20 साधु साध्वी जी भगवान में से 20 कहेंगे यह आने के बाद खुश है, और शादीशुदा वाले 20 लोग में से 18 लोग कहेंगे यहां आकर फंस गए। हम अपना खुद का जीवन देखते हैं कहां पहुंच गए, लेकिन हमारे जब बच्चे लोग ऐसे संस्कार की बात करते हैं, मैं कृपया माता पिता को कहूंगा ऐसे ऐसी घटनाएं हमको तो दीक्षा के विदायों में हम जाते हैं, एक लड़की ने 6 साल तक 6 विगय का त्याग कर अपने माता पिता के सामने दीक्षा लेने की भावना के लिए 6 साल तक उसने अपने कर्तव्य को और भावनाओं को बढ़ा कर रखा, तब जाके 6 साल के बाद माता पिता ने उनको रजा दी। तो मैं आज बाड़मेर वालों को कहूंगा अब जाके ऐसा इतिहास नहीं बनना चाहिए कि 300 साल के बाद हमारे गच्छाधिपति गुरुदेव को कहना चाहिए कि हर साल में एक बार तो आपको बाड़मेर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर साल एक दीक्षा हमारे बाड़मेर में से। साहब बोली तो बहुत बोल देते, पूजा पूजन भावना भक्ति में खूब नाच लेते हैं, लेकिन सच्चा यदि कोई मार्ग है तो वो कौन सा मार्ग है, जिन शासन की श्रमण परंपरा है आज 2600 साल के बाद। मैं तो कहना चाहूंगा गुरुदेव आज हमारे मनोज भाई नूतन दीक्षित के माता पिता नहीं है, लेकिन दुनिया में कहता हूं संपत्ति दान से भी बढ़कर कोई दान है, यह प्रभु का शासन है, यहां सदियों नहीं दशकों में भामाशाह पेथरसा का जन्म होता है, कई लोग स्वद्रव्य से जिन मंदिर बना लेते हैं, कई लोग चातुर्मास करवा देते हैं, बड़ा बड़ी साधनाएं करवा देते स्वद्रव्य से, लेकिन मैं कहना चाहूंगा संपत्ति के दान से भी बढ़कर संतति का दान है। इस परिवार को एक बार तालियों से बधाई जिन्होंने अपने लाड़े प्याए को इस मार्ग पर जाने की सहमति दी, तो मैं विनंती करूंगा यही भाव आप सब लोग रखे और यही मार्ग पे जाने के लिए सब अनुमति दे, यही प्रार्थना के साथ। हाँ जी देखिए चढ़ावा हमारा चल रहा है नामकरण का, और चढ़ावा चल रहा है कितने में, 3,06,000 आगे बराबर ने 3,06। अभी यहां पर पाठ परंपरा की गुरुदेव बात की गई, आज हमारे नूतन दीक्षित को कौन सी पाठ परंपरा मिल रही है जरा, आज अभी लोगों के फोन प्रकाश जी आने लग गए हैं, पूरा विश्व ये दीक्षा प्रसंग देख रहा है, पूरे विश्व में हमारे पारस टीवी के चैनल से ये बाड़मेर की दीक्षा पूरे विश्व यहां पर देख रहा है, इनको कौन सी पाठ परंपरा मिली है, एक श्वास में मैं जितना बोल सकूं मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हे नूतन दीक्षित आपको अनाशक्त का भाव भरत महाराजा का मिले, आपको ब्रह्मचर्य स्थूल भद्र जी का मिले, आपको तप का सहारा धन्ना अणगार का मिले, और साक्षात सिमंदर स्वामी से प्रशंसित विधि पक्ष आराध्य स्थापक दादा गुरुदेव आदि रक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहब आपकी आस्था में बसे, बाड़मेर मंडन श्री चिंतामणि पांचनाथ प्रभु प्रतिष्ठापक युग प्रदान अचल गच्छेश परम पूज्य आचार्य भगवान धर्म मूर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब आपके ध्यान में बसे, बाड़मेर के उपकारी शासन सम्राट भारत दिवाकर अचल गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुसागर सुरेश्वर सिंह महाराज आपके गुणों में बसे, प्रियंकरी मिश्रा एवं दीक्षा प्रदाता प्राचीन अर्वाचीन भद्रेश्वर तीर्थ प्रतिष्ठापक 52 वर्षीय तप के आराधक तप चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुरुदेव सागर सुरेश्वर जी महाराजा आपके गीतों में बसे, राजस्थान दीपक साहित्य दिवाकार परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराजा आपके कर कमलों में बसे, ज्योतिष आचार्य शासन प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीरभद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा आपकी वाणी में बसे, अखंड 70वें वर्षीय तप के आराधक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कविंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा आपकी कविताओं में बसे, आगाम में अभ्यासी सरल स्वभावी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महादेव सागर सुरेश्वर जी महाराजा आपके मन में बसे,
बाड़मेर अचलगढ़ जैन संघ की उपकालिनी परम पूज्य साधु जी प्रियमन्ना श्री जी महासाम आपके प्राणों में बसे प्रवर्तिनी महतरा गुरुवनिया परम पूज्य साधु जी श्री रत्नरेखा श्री जी महासाम आपके रग रग में बसे प्रवर्तिनी महतरा अचलगढ़ श्रमणी नायिका नवकार मंत्र आराधिका सनी हृदय पूज्य गुरुवनिया श्री वसंत प्रभा श्री जी महासाम आपके विचारों में बसे सरल स्वभाविनी परम पूज्य गुरुवर्णी श्री आर्य रक्षिता श्री जी महान साहब आपकी आयु में बसे और गौ विज्ञानी डॉक्टर परम पूज्य गुरुवर्णिया श्री देव रक्षिता श्री जी महान साहब आपके दर्शनों में बसे आपके दर्शनों में बसे। ये पांच परंपरा ऐसे हमारे नूतन दीक्षित को यहाँ पर मिली है 3,06,999 नामकरण का ये आदेश 3-6 बोल जो साहब 3-6 आगे से है पीछे वाले सावधान 3-6 3,06,000 नामकरण रोज अंजन सुला का होती है गुरुदेव हम गाते हैं भुआ जी जब आती है तो उस समय गाते हैं हे ओली झोली पीपल पान भुआ ने रखा मुझे मानती हम ये तो नाम कौन बोलता उसका ही चढ़ावा है हाँ उस समय भी यहाँ पर बोला जाएगा अरे ओली झोली पीपल पान भुआ ने रखा ये नाम आपको घोषणा करना है उसका चढ़ावा यहाँ पर बोला जा रहा है 3-6 3,06,999 है आया 3,15 वाह साहब 3,15 आज जाने दो नहीं आज तो आने दो करो हाँ 3,15 मेरे हिसाब से चढ़ावों की श्रृंखला में नूतन दीक्षित के लिए ये छेलना चढ़ावा है मेरे हिसाब से और कोई चढ़ावे हो जाए तो अपना पुण्य हाँ जी 3,15 एक वांग 3,15 दो वांग 3,15 ढाई वांग 3,15 पूरा 3 वांग और 3,15,315 धर्मली दलाली है सेठ साहब धर्मली दलाली है हो मारा भैसा साथी ना चाले पैसा वो मारा भैसा साथी ना चाले पैसा थे केनो मारो मान लो थे तो बोलिया बुलवारो ला बोल लो ये तो बोलिया बुलवारो ला बोल लो 3,15 3-6 हमें तक अब बाजी आपने हाथ में थी हाँ एक दक्को और लगानो है नामकरण दो सुंदर अवसर 3,15 एक वा 3,15 दो वा 3,15 ढाई वा 3,15 पूरा 3 वा और 3,15,515 हे हाथ में आयो अवसर मत जावण दीजो जी अरे आयो रो अवसर यो रो ना बोले जो जी आयो रो अवसर यो ना बोले अवसर आयो है 3-6 में सस्तो ने 3-33 में मुंगो मन ठानी पड़ी हो थोड़े ठा पड़े तो बताई जो 3,15 एक वा 3,15 दो वा 3,15 ढाई वा 3,15 पूरा 3 वा 3,15,515 संख्या का लेकर लगा दे रहा हूँ नामकरण 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 आदेश दिया जा रहा है 3,15 एक वार दो वार ढाई वार करीबन आधे घंटे से पूरा ये विश्व इस दीक्षा को देख रहा है सिर्फ बाड़मेर नहीं पूरे विश्व में वाह रे वाह नामकरण का ये लाभ कौन ले रहा है पूरा विश्व देख रहा है 3,6,3,15 एक वा 3,15 दो वा 3,15 ढाई वा 3,15 पूरा 3 वा 3,15,515 3,15 रजा दिया जा रहा है हाँ जी इससे पहले सबित दो अचल कंच की शाम मनोज भाई बाड़मेर नगरी शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई एक बार अनुमोदन कीजिएगा सब मिलकर तालियों से बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई होता ही जी धर्म से बहुत लगा जी को धर्म से बहुत लगा उचित ही
साधक ये भूल उनके जीवन में होता संयम लेने का योग संयम लेने का योग धन्यवादों से भी ज्यादा धन्यवाद मनोज भाई धन्यवादों से भी ज्यादा धन्यवाद मनोज भाई दीक्षा की वंदन दिल से अभिनंदन दीक्षा की वंदन दिल से अभिनंदन तीन पंद्रह धनवानों से भी ज्यादा धनवान मनोज भाई हाँ जी हाँ बड़े महान मनोज भाई शासन की शान मनोज भाई तीन पंद्रह एक वान तीन पंद्रह बेवान पंद्रह ढाई वान तीन पंद्रह पूरा तीन वान तीन पंद्रह और श्री संघ की आज्ञा लेकर रजा दे रहा हूँ 315,315 तीन बार बोल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मोदी जी पुनः एक बार मोदी है तो मुमकिन है आइए